चैनल कैसे हैं आप लोग। तो आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग काफ़ी स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है। तो उसके लिए मैं आज उनको सरप्राइज बर्थडे प्लान कर रही हूँ। सो उसके लिए अभी मैं जा रही हूँ डेकोरेशन करने के लिए, फिर मिलते हैं डेकोरेशन के बाद में। तो बस इस तरह से मैंने थोड़े से फ्लावर और कैंडल से डेकोरेशन किया था, ये देखिए। और सामने विंडो पे भी मैंने हैप्पी बर्थडे का स्टिकर लगाया था, प्लस हमारे फ़ोटोज़ और थोड़े से बलून से डेकोरेट कर दिया था। और ये टेबल पे मैंने सेंटर में बीच में एक हार्ट बनाकर उसके ऊपर फूल से डेकोरेशन करके साइड में कैंडल्स लगा दिए थे। ये मेरा छोटा सा डेकोरेशन हो गया था, सिंपल सा, बट हस्बैंड को काफ़ी पसंद आया। हस्बैंड बेडरूम में थे तो मैंने बस उन्हें अभी हॉल में बुलाया सरप्राइज़ के लिए। तो ये देखिए ये आ गए हैं। आई को गोद में लेके आ जाओ, बीच में सा। फ्लावर, ओके, कम या हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हबी, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो बस यहाँ केक कटिंग हो चुका था, हस्बैंड मुझे खिला रहे थे और मैं उन्हें खिलाकर विश कर रही थी बर्थडे। तो अभी मैंने हस्बैंड के लिए एक और सरप्राइज प्लान किया था, तो बस वही मैं उन्हें दिखाने जा रही थी। तो सरप्राइज मैं स्टार्ट करूँगी अपनी मदर इन लॉ से, जिन्होंने मुझे इतने अच्छे हस्बैंड दिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का सरप्राइज। हैप्पी बर्थडे सनी, हैप्पी बर्थडे सनी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर सनी मामा, हैप्पी बर्थडे टू यू सनी मामा। सनी बेटा, जन्मदिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी उम्र लंबी हो, मैं सदैव ईश्वर से प्रार्थना करूंगा और आप तरक्की करते रहिए, ये हमारा आशीर्वाद है। सन्नी बेटा, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू मेनी मेनी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। अभी तरह हाथ दे। हैप्पी बर्थडे सनी, हैप्पी बर्थडे मौसा। दुनिया के सबसे अच्छे पति को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब मैं आपसे क्या ही कहूँ, आपने मेरी इस छोटी सी दुनिया को अपने साथ से बड़ा बना दिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माय लाइफ, लव यू लॉट। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन वो था जब आपसे मेरी शादी हुई, बट उससे भी स्पेशल और ख़ास दिन मेरे लिए वो था जिस दिन आप इस दुनिया में आए मेरे लिए। और बस यही कहना चाहती हूँ कि दुनिया में लोग अच्छे लाइफ पार्टनर की तलाश में रहते हैं, मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे आप मिले। और मैं भगवान को भी धन्यवाद कहना चाहूँगी कि मैंने उनसे मांगा था कुछ ऐसा लाइफ पार्टनर जो हो सबसे अलग, और उन्होंने मुझ दिया मुझे तुम्हें और कहा यही है सबसे अनमोल। तो थैंक यू सो मच भगवान जी। और मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी, थैंक यू सो मच एवरीवन इस वीडियो को यादगार बनाने के लिए, वंस अगेन थैंक यू। तो फ्रेंड्स, हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन हो चुका है, तो अब हम लोग डिनर पे जाने वाले हैं बाहर। मैंने हस्बैंड के लिए एक होटल में टेबल अरेंज किया है सरप्राइज, तो चलिए मिलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग रेडी हो चुके हैं रेस्टोरेंट में जाने के लिए बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, तो चलिए मैं आप लोगों को वहाँ लेके चलती हूँ। तो बस हम लोग वॉक करते हुए जा रहे हैं, यहाँ से 10 मिनट्स का वॉकेबल है, तो हम लोग वॉक करते हुए रेस्टोरेंट जा रहे हैं। एक इंडियन रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा है, और लास्ट टाइम हम लोग मेरे एक बर्थडे पर गए थे, अभी सेकेंड इनके बर्थडे पर जा रहे हैं। यहाँ पर इस तरह के सारे रेस्टोरेंट हैं। अभी हम लोग एक इंडियन रेस्टोरेंट में जा रहे हैं जिसका नाम है दिव्यास।
फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ चुके हैं रेस्टोरेंट के बाहर। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ रेस्टोरेंट के बाहर। तो मैं अभी अंदर जा रही हूँ। यहाँ हस्बैंड मेन्यू कार्ड में देख रहे थे क्या ऑर्डर करना है। अयांश भी कार्ड में देख रहा था उसे क्या खाना है। तो बस हमने यहाँ पे ऑर्डर कर दिया था। तो हमारा डिनर स्टार्ट हो चुका था, बीच में मैंने एक सेल्फी भी ले ली। तो अब हम होटल से बाहर निकल चुके हैं, हमारा डिनर कंप्लीट हो चुका है। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा, हस्बैंड को काफ़ी पसंद आया। फ्रेंड्स, हम लोग का बर्थडे सेलिब्रेशन हो चुका है काफ़ी अच्छे से। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।